वास्तु रविराज की ओर से डॉक्टर रविराज अहिर राव का नमस्कार। दोस्तों, पिछले 18 सालों में करीब करीब 8 वीडियोस के माध्यम से हमने आपको श्रीयंत्र की जानकारी देने का प्रयास किया हुआ है और मुझे मालूम है कि वो सारी वीडियोस आपको पसंद भी आई है। मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा कि कई और सारी वीडियोस के माध्यम से आपको श्रीयंत्र के बारे में, कुबेर मूर्ति तथा यंत्र के बारे में टेक्निकल इंफॉर्मेशन बहुत बड़े पैमाने पर जरूर मिला होगा। लेकिन दोस्तों, वो श्रीयंत्र या वो कुबेर यंत्र किस मटेरियल का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, मुझे लगता है आज तक किसी ने आपको ये नहीं बताया है और वही बताने का प्रयास मैं आज आपके लिए कर रहा हूं। आने वाले फेस्टिवल सीजन के उपलक्ष्य में आप श्रीयंत्र तथा कुबेर मूर्ति या यंत्र की प्रतिष्ठापना आपके घर तथा आपके व्यावसायिक जगह में जरूर करने जा रहे हैं, ये मुझे मालूम है। लेकिन दोस्तों, जब भी आपको श्रीयंत्र का महत्व, उसके लाभ के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है तो आप तुरंत ऑनलाइन मार्केट पे चले जाते हो और वहां पे श्रीयंत्र खरीदने का प्रयास करते हो और वहीं पे आपसे सबसे बड़ी गलती हो जाती है। और ये गलती वो है कि एक तरफ मैं कहूंगा कि श्रीयंत्र सभी यंत्रों का राजा है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों ही शक्तियों का जो प्रभाव है, प्रसाद है, आशीर्वाद है, वो इस यंत्र के माध्यम से आपको जरूर प्राप्त होता है। यंत्रों का राजा, पवित्र ऊर्जा देने वाला यंत्र, याने आध्यात्मिक परिभाषा में प्रभावी पवित्र ऊर्जा देने वाला साधन। अब दोस्तों, ये जानने के बाद जब आप ऑनलाइन इसे खरीदने जाते हो तो वहां पे आपको कई सारे ऑप्शन आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहूंगा कि शायद आपको वहां पे एक 799 रुपए का भी एक श्रीयंत्र मिलेगा और सेम वैसा ही दिखने वाला 7999 में भी मिलेगा। निश्चित रूप से एक आम आदमी के भांति आप भी शायद वो 799 का यंत्र की ओर आकर्षित हो जाओगे, आप उसे लाओगे और शायद आप ऐसे इंप्रेशन में होगे कि मुझे बहुत अच्छा डील मिला। यही पे आपकी गलती हो जाती है। दोस्तों, जब भी यंत्र बनाया जाता है तो जो कॉपर, यानी जिसे आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग की परिभाषा में वर्जिन कॉपर जिसे कहते हैं, वो इस्तेमाल होना, या फिर मेरु श्रीयंत्र के निर्मिति में चाहे वो पंचधातु हो या अष्टधातु हो, उस धातु का सही ढंग से प्रमाण प्राप्त होना, वही यंत्र आपको सही ऊर्जा दे सकता है। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात कि ये सारे यंत्र प्राण प्रतिष्ठित यानी स्पिरिचुअली रिचुअलाइज्ड होना अनिवार्य है और आज की तारीख में इस ऑनलाइन मार्केट में पिछले 18 सालों से वास्तु रविराज एकमात्र संस्था है जो आपको प्राण प्रतिष्ठा किया हुआ स्पिरिचुअली रिचुअलाइज्ड यंत्र ही दे रहा है। सो ऐसे में दोस्तों, जब ये उच्च क्वालिटी का यंत्र आपके घर में आएगा तब आपको सही मायने में उच्च दर्जा की ऊर्जा प्राप्त होगी। दूसरी ओर मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि इस वीडियो के माध्यम से मार्केट में मिलने वाले जो आम या ऑर्डिनरी क्वालिटी के जो यंत्र होते हैं, उन सभी यंत्रों का हमने ऑरा यानी ऊर्जा मापन करने का हमने एक प्रयास किया है और जिसके कई सारे एग्जाम्पल हम इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। और इसमें आपने देखा होगा कि केवल एक श्रीयंत्र और एक ही कुबेर मूर्ति जिसके ऊर्जा वलय
एक इंद्रधनुष्य के भांति केवल अर्ध गोलाकार सर्क्यूलर वे में और सिस्टमैटिक मैनर में वो जब आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये यंत्र सर्वाधिक ऊर्जा देने वाले यंत्र है, ये विज्ञान के माध्यम से साबित हुआ है। और जिन सभी यंत्रों में वो सारे रंग दिख रहे हैं, लेकिन उसकी जो एनर्जी है वो बहुत ही स्कैटर्ड है, अनियंत्रित है, ऐसे यंत्र खरीदने से बेहतर ये होगा कि उच्च दर्जा और उच्च ऊर्जा, और वही बेसिकली वास्तु रविराज का मकसद है। और दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप अब की बार जब श्रीयंत्र और कुबेर खरीदने का प्रयास करोगे, मैं कहूंगा केवल श्रीयंत्र और कुबेर ही नहीं, कोई भी यंत्र तथा क्रिस्टल यानी सेमी प्रेशियस स्टोन जब भी आप खरीदोगे, तो उसकी चमक और उसकी कीमत प्राइस इन दोनों से भी ज्यादा उसकी क्वालिटी पर आप ज्यादा फोकस करें, तो ही आपको बेहतरीन रिजल्ट्स मिल सकते हैं। और इसी के साथ आने वाले नवरात्रि तथा दीपावली के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।